दिल्ली एनसीआर सोहना में अचानक दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक से अंधकार छा गया और सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर इस तरह से चलने लगे जैसे रात में चल रहे हों। इतना ही नहीं, तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की पकी हुई फसलों में भी भारी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी, क्योंकि जहां एक तरफ किसानों की सरसों व जौ की फसल पकी खड़ी है और किसान फसलों को काटने की तैयारी में लगे हैं, कुछ किसानों ने अपनी फसल को काट भी लिया है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतर किसानों की गेहूं की फसल पर लगभग ये पककर तैयार हो चुकी है, जो कि तेज अंधड़ के चलते पूरी तरह से गिर गए और ओलावृष्टि से फसल में काफी नुकसान भी बताया जा रहा है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार की तरफ से किसानों की खराब फसल की भरपाई के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।